इंडिया गठबंधन के साथ जो पीडीए परिवार जुड़ा है, इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। आज किसान के सामने संकट है। जो लोग आय दोगुनी की बात करते थे, आय दोगुनी नहीं हुई, किसान का लाभ छीन लिया इन्होंने। और इलाहाबाद से बेहतर, प्रयागराज से बेहतर कौन जानेगा, जहां पर नौजवान अभी अभी सड़कों पे था, आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूँ छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम करा कर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नियत नहीं है नौकरी देने की, नियत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। ये लीक जो कर रही है सरकार पेपर, इनके वोट लीक हो रहे हैं। जो मैंने गणित समझाया, 60 लाख बच्चों का जो परीक्षा छूट गई, जिनका एग्जाम हो करके पेपर लीक के कारण दोबारा उन्हें लिखना पड़ेगा, 60 लाख गुणा 3, अगर हम सदस्य परिवार के माने तो 1,80,00,000 लोग होते हैं। और 1,80,00,000 अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट लीक हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। क्या बसपा के साथ भी गठबंधन हो रहा है? क्या गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। अरे कन्नौज देश की राजधानी रही है, कन्नौज नहीं, 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ, बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? ये चुनाव में लड़ाई जाता है, चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप कहां से लड़ेंगे? कहां से लड़ेंगे चुनाव? आप लड़ाएंगे? अरे हम लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।